अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है? वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर मच सपोर्ट डेट माई चैनल इज वेरी मच नियर टू मोनेटाइजेशन। उसके लिए बड़ी बड़ी थैंक यू। अच्छा, सेकेंड आई वॉन्ट टेल यू अबाउट द पेपर सॉल्विंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन विच आई टेल यू इन बिटवीन माई लेक्चर। अच्छा, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, स्लाइड्स पे आपको नजर आ रहा होगा सामने इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब के 56, 62, 73 के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस हमारे। अगर आप पास्ट पेपर्स खोले ना, जैसे मैं लास्ट वीडियो में अपने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाया थी 2020 में, जो क्वेश्चन आया था कि कंपैरिजन बिटवीन 1956 एंड 1973 अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड जिसमें 18 अमेंडमेंट भी कंप्लीट आएगी, उसमें भी मैंने साथ आपको कंपैरिजन में 18 अमेंडमेंट का शासन मैं बताता रहा, बाकी सारे फैक्टर्स 18 अमेंडमेंट वाले ही थे। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ईयर में है, बट क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप इवेलुएट करें ना बाकी पास पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा एक तो कंपैरिजन का, जो मैंने काफी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। आपको 18 अमेंडमेंट का मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है? आपको इस्लामिक प्रोविजंस का मिलेगा, ठीक है? आपको फेडरल एस्पेक्ट्स का मिलेगा कि तीनों में फेडरल एस्पेक्ट्स कौन से थे, या ज्यादातर आपको फिर आगे फॉरन पॉलिसी या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। कम इसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनता। या ज्यादातर वो ये पूछ लेगा कि भाई ड्रॉबैक्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 2019 में था, कि क्या ड्रॉबैक्स थे कि अर्ली इतना लेट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, ठीक है? या ये पूछ सकते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या मसला था, जो अभी हम इसके इसके बाद 18 अमेंडमेंट का हमारे वीडियो होगी, और उसके बाद हम 56 को डिटेल में पढ़ेंगे, 62 में भी डिटेल में पढ़ेंगे, और 73 को भी हमने ऑलमोस्ट डिटेल में पढ़ लिए, क्योंकि 18 अमेंडमेंट इस्लामिक प्रोविजन फेडरल एस्पेक्ट से हमारा 73 ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अपने टॉपिक पे आते हैं, इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जो इस्लामिक इंट्रोडक्शन में आप एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें, और जिसमें सारी प्रोविंसेस के एक तो टेबल बना दें, ठीक है? वो उसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि आज काफ़ी डिटेल लेक्चर होने वाला है। तो आई होप आपने पेंसिल पेपर ग्रैब कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट में मैंने टेबल बनाया था, जो आपका मतलब कि ऐसे समझ आने वाला नहीं था जब तक हम लिखेंगे नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको पहले लिखा था कि मैं सारा फॉलोइंग बताऊंगा, अपने मेन हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से, फिर आगे आपने सब हेडिंग देनी है ब्लैक पॉइंटर से, देन आपने पूरा लिखना है आप पॉइंटर यूज करते हैं या बॉल पेन यूज करते हैं, जिससे भी आप मैं यूज करता हूँ मोस्टली। तो आपने ये पेपर ऐसे सॉल्व करना है, और साथ आपने मार्जिन लास्ट में लगाने हैं, ठीक है? और हेडिंग्स के बाद कोशिश करें कि एक लाइन छोड़ दें, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, हेडिंग्स और पेपर प्रेजेंटेशन वाकई बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, जो सबसे पहले है वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो फर्स्ट हेडिंग है। ये मेन हेडिंग में बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, बाद में आ गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया कब था? 12 मार्च 1949 को ये आया था। किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आप सुन ले जरा, एक होती है नेशनल असेंबली। अब उस टाइम अभी तक नेशनल असेंबली नहीं बनी थी, नाम नहीं था उस वक्त, क्या था हमारा 1935 इंडियन एक्ट के तहत हम चल रहे थे, कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट थी वो क्वीन थी, हम कॉमनवेल्थ कंट्री थी। 56 से पहले पहले हम क्या थे? हम कॉमनवेल्थ कंट्री में आते थे, कंट्रीज में आते थे। उस टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कोई नेशनल असेंबली सेनेट का कोई सीन नहीं था, यूनिकैमरल बाइकैमरल होगा वो बात की बात है, अभी हम क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 12 मार्च 1949 को ये पेश किया अपनी असेंबली में, जिससे कि अब पता चला कि जी पाकिस्तान क्या होगा, इस्लामिक डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल चलेगा, इस्लामिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे चलेगा। दूसरा, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स दूँ, बाकी आपको डिटेल में बताऊं। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको सारी इंग्लिश भी लिख के दे दूंगा, ठीक है, आप क्या करने के लट्टा मारने लग जाएंगे, और मोस्टली लोगों का वो सेम हो जाएगा,
ठीक है, तो पेपर में आप थोड़ा सा इनोवेशन लाना चाहिए, आप अपने वर्ड्स में लिखें, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप सारा अपने वर्ड्स में लिखें, आप और वर्ड्स में लिखेंगे, अगला लिखेगा वो सेम ही लेकिन अपने वर्ड्स में लिखेगा, तीसरा अपने वर्ड्स में लिखेगा, और उनके इनोवेशन आती जाएगी और वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ये ना कि मैं वो, अब हम 9-10 में तो है नहीं कि मैं पूरा एक डेफिनेशन लिख दूँ उसको आप सारे लोग लिखने शुरू कर दें कि जी हाँ ये वो वर्ड अच्छा वैसे वैसे, ठीक है। बाकी बुक्स में क्या होता है, बुक्स इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं वो आप पढ़ लें फिर, ठीक है, रट्टा तो आप वहां से भी लगा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये आती है कि मैं आपको मेन हेडिंग्स बताऊं कि उस बुक का क्रक्स क्या है, ठीक है, और साथ साथ आपको अपने वर्ड्स में आप डिफाइन करता हूँ ताकि आप लोग अपने वर्ड्स में उसको राइट कर दीजिए, ठीक है। कमिंग बैक टू टॉपिक, अच्छा जी ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के 12 मार्च 1949 को ये आया, और इसमें क्या था, लियाकत अली खान ने, इसकी कोटेशन लियाकत अली खान की, उन्होंने कहा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ओकेजन है ये, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया है इंडिपेंडेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ओकेजन है, क्लियर। और इसमें क्या था जी, और इसको क्या किया जी, 1956, 62, 73 तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको प्रियम्बल बना दिया गया, ठीक है, कि इसकी मतलब खसूसी तौर पर इसको मतलब इसकी बेस बना दी गई कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो किस पे बेस करता है, इस्लामिक डेमोक्रेसी पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक इसमें पॉइंट ये आता है कि 8 अमेंडमेंट में, 8 अमेंडमेंट में किसने दी थी, जियाउल हक साहब ने, मैं तो साहब, हम तो साहब ही कहेंगे सर क्योंकि वो हमारे कंट्री के प्रेजिडेंट रह चुके हैं, बाकी आप इसकी डिक्सेग्री भी कर सकते हैं, ठीक है, जियाउल हक साहब ने दी थी और इसको उन्होंने सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया था, ठीक है, अपने रिजीम में सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, मतलब लाजमी। और इसको क्या कहता था, ये ग्रैंड नॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का आर्टिकल है 2A, फिर भी आप इसको टैली कर लीजिएगा, मे बी शायद आई एम रॉन्ग बट आप इसको टैली कर लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा जी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट था सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह, अब ये हमारी मेन हेडिंग होगी, ठीक है। सॉवरेंटी वल्ला में क्या था जी, पहली बात तो सुन ले कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस एनश्राइंड इन देम, कि हर कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अंदर जो मेन चीज कही थी वो सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह को लाजमी, तो फिर मैंने गलती से करती है कि हमेशा अल्लाह कैपिटल में लिखा करें, कोशिश करें, कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपने अंदर अपनी बेस बनाया था, हर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपने अंदर लाजमी ऐड किया हुआ है। आप जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, 56 उठा लें, 62 उठा लें, 73 उठा लें, टोटल 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन लें, ठीक है, उसमें अंदर हर किसी में ये बात लाजमी डिफाइन है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह ताला। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन जो मैं सिंपल कोट कर रहा हूँ कि अल्लाह इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, अभी मैं सेम कोट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा और कोई डेफिनेशन बन नहीं सकती इसकी, ठीक है, जो आप अपने वर्ड्स में लिखे लिख भी सकते हैं, हु डेलीगेटेड इट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। राइटिंग के लिए मैं माजत खा हूँ क्योंकि जल्दी अब ये इस तरह से लिखना भी आजाब है। सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, डेलीगेटेड इट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इसने क्या किया था जी, इसने सारे भी जो था कि लिबरल या सेकुलर डेमोक्रेसी होगी पाकिस्तान में, जो इतनी डिबेट, क्योंकि ये हमेशा डिबेट चलती रही थी सेकुलर या लिबरल डेमोक्रेसी, उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है जी। और ये डिपेंड हो गया था कि जो पाकिस्तान में लोग किस बेसिस पे करेंगे जी, इस्लामिक डेमोक्रेसी पे काम करेंगे, ये फिर उसके अंदर आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। बहुत स्लो चलूंगा क्योंकि बड़े लोगों की कंप्लेन आती है कि आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, कुछ वर्ड आप मुंह में रख लेते हैं,
अच्छा नहीं लगता हमें वगैरह वगैरह जो भी है। तो आज मैं आराम सुकून से लेक्चर देखूंगा, आपको करवाऊंगा ताकि आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो। सॉवरेंटी अल्लाह ताला होगी। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बात कर रहा, मैं तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अगर कोई एक्सेप्शन आएगी, अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो मैं आपको साथ साथ डिफाइन करता जाऊंगा। अच्छा जी, हेड ऑफ स्टेट क्या था जी? कि जी जो हेड ऑफ स्टेट है जो क्या करता है, पावर इसके पास है, जो प्रिंसिपल एग्जेक्टिव प्रिंसिपल्स या एग्जेक्टिव पावर जो डायरेक्ट करता है, वो कौन क्या होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए, ठीक। 1956 में ये वो था, 1962 के अंदर उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम होगा, लेकिन पीएम के अंदर ऑल ऑप्शंस ओपन थे कि कोई भी आ सकता है, मतलब माइनॉरिटीज, नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, माइनॉरिटीज भी, नॉन मुस्लिम भी, मुस्लिम भी, कोई भी आ सकता है। इसमें ऑप्शंस थे कि जी पीएम कोई भी बन सकता है, क्योंकि सारे, अब आपको जैसे मैंने आपको कंपैरिजन में पढ़ाया था कि जो प्रेसिडेंट है क्या है, तो उसके पास सारी पावर है, क्योंकि 1961 में जो होता सिर्फ प्रेसिडेंट के पास हर पावर थी, तो पीएम कोई भी बन जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये एक किस्म का इसको कर लेंगे स्पॉइलर था, ठीक है जी। और 1973 के अंदर कहा गया था कि बोथ शुड बी मुस्लिम्स, दोनों को मुसलमान होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब इसमें अब आप देखेंगे ना, एक मेन हेडिंग दी आपने, ठीक है। अब इसमें तकरीबन तकरीबन 7-8 लाइनें आप इजीली भी बना सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा आराम आराम से भी डिफाइन। पहले 1956 का बताया, 62 का बताया, फिर 62 का जो एक्सेप्शन थी आपने वो बताया, फिर 73 का बताया, और इसमें फिर आपने कह दिया कि इस्लामिक डेमोक्रेसी पे ले जाएं, एंड पे इस्लामिक डेमोक्रेसी पे एंड कर दें, ठीक है, क्योंकि हम इस्लामिक प्रोविंस पढ़ने, इस्लामिक आभार उसके अंदर ले आए, तो आराम से एक अच्छा पैराग्राफ बन सकता है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी? इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है जी? इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अच्छा जी, स्टेप्स लिए गए थे, स्टेप्स फॉर टेक वर स्टेप लिए जाएंगे, या स्टेप लिए जाने चाहिए, स्टेप होने चाहिए कि ताकि वो क्या करें, टू एनेबल दी मुस्लिम्स। ये जी वो मुसलमानों को किया कि वो अप इन ऑर्डर टू लिव देयर लाइफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, के जी वो इस्लामिक लाइफ गुजार सके और उनको क्या हो, फुल फ्रीडम हो इस चीज में, ठीक। अब मैं बिल्कुल लिख लिया, रट्टे वाला सीन आ जाएगा, मैं चाहता हूँ आप रट्टा ना लगाएं, ठीक है। अगर आप फिर भी रट्टा लगाना चाहते हैं बहुत अच्छा है, तो आप फिर मुझसे मेरे नोट्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर अपना, ठीक है जी। स्टेप्स लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पे यूज हो रहा बी। अब कई को नहीं पता होगा कि हम बी क्यों यूज करते हैं, बी तब यूज करते हैं, ये थोड़ा सा इंग्लिश की चीज आ गई, थोड़ा सा हट के मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं सुन रहे तो आप आगे फॉलो भी कर सकते हैं। बी तब होता है जब हमारे पास रहना होना बनाना, जब इन तीनों की साउंड आ रही हो ना, रहना होना बनाना, इन तीन वर्ड्स की, या इन तीनों में से किसी एक की साउंड आ रही हो, तब हम बी लग। अब स्टेप्स वर टू बी टेकन, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इकदाम होने चाहिए, इकदाम लिए जाने चाहिए, या इकदाम रहने होने बीच में रहने चाहिए, इस तरह की जो वॉइस आ रही है, तो हमने बी यूज़ किया। ये थोड़ी इंग्लिश की चीज़ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया कि फुल फ्रीडम होनी चाहिए, इस तरह के इकदाम होने चाहिए, ठीक है, इस तरह के इकदाम होने चाहिए कि जितने भी मुस्लिम्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो अपनी इंडिविजुअल या कोलेक्टिव लाइफ, मतलब मॉस्क में जा इजीली जा सकें, कोई रोक टक ना हो, मस्जिदों में जा सकें, इबादत कर सकें, अल्लाह का जिक्र कर सकें, जो भी सब कुछ वो क्या होना चाहिए, इस्लामिक वे से अपनी लाइफ गुजार सकें। अच्छा जी, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास सुप्रमेसी ऑफ इस्लामिक लॉ, सुप्रमेसी ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ की क्या होगी? सुप्रमेसी होगी। अब इसमें क्या क्या पॉइंट था कि उन्होंने कहा था कि जो भी न्यू लॉ होगा, न्यू लॉ होना चाहिए, शेल
अब यह होना चाहिए, होना की बात आ रही है, शैल बी इनेक्टेड, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये आप याद रख लीजिएगा कि न्यू लॉ जो भी इनेक्ट होगा या होना चाहिए वो किस बेस पे होना चाहिए, इस्लामिक इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे, कोई भी लॉ करें आप उनसे उलमा के से या जुडिशरी वो क्या इस्लामिक वे से उसकी क्या करे, इंटरप्रिटेशन करे, इंटरप्रिटेशन। इसमें एक और बात उन्होंने की थी कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज जो अभी तक लॉज बन चुके हैं, सारी बात ये तो नहीं कि आते साथ ही और कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रिवीजन देना शुरू कर दी थी, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो अभी तक लॉ पाकिस्तान में हैं उस टाइम जो थे, जब ये आया ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, कि उनको भी क्या करें, उनको भी क्या करें, उनको भी कॉन्फर्मिटी करें, उनकी भी कॉन्फर्मिटी होनी चाहिए कि वो वेदर के आइदर के मतलब के इस्लामी लॉ या इस्लामिक जो लॉ है या इस्लामिक कानून है, जो भी आप इसको जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, कि वेदर के वो उस पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, किसी चीज़ को खिलाफ तो नहीं कर रहे, जिससे क्या हुआ था कि जब उन्होंने रीवा को क्या कर दिया था, पॉलिश कर दिया था। गॉट माय पॉइंट, कि उन्होंने जब ये आया तो उन्होंने लास्ट में रीवा अबॉलिश नहीं थी, तो उन्होंने रीवा को अबॉलिश कर दिया, तो सुपरवाइसिव लॉ उसको बोल दी थी कि जितने भी लॉज हैं वो तो इस्लामिक वे में बनेंगे, इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक बनेंगे, उलमा से मुजावरत के बाद बनेंगे। अभी आप देखें, अभी पाकिस्तान के अंदर उलमा की कमेटी होती है, जिसके आई थिंक मुझे अभी गल में नाम याद नहीं है, वो एन एफ वाले थोड़े से हैवी से हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम मेरे माइंड में, अभी सॉरी मेरा नाम बदल गया, अशरफी साहब है, ताहिर अशरफी, या बट ताहिर अशरफी साहब हैं जो अभी तक उलमा के काउंसिल के हेड हैं, और एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी होती है, तो वो इसी चीज़ को करते हैं, इन चीज़ को जो भी लॉ बनते हैं वो इसको पहले कन्फर्म करते हैं कि वेदर ये किसी को ख़त्म तो नहीं कर रहा, किसी को वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रही, तो इसलिए वो फिर आगे असेंबली में जाता है या प्रेजिडेंट के पास जाता है, जो भी। ठीक है जी, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात एंड वक्फ। ठीक, अच्छा जी, उन्होंने 1962 में एंड 1973 के अंदर स्पेशली, ओके 1956 का भी मैं अलग एक्सेप्शन आपको बताता हूँ। 1962-73 में क्या कहा था कि जी जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात और वक्फ है वो मस्ट बी इंश्योर, फिर होना चाहिए कि आवाज़ आ रही है तो बी में लगाया और बी के आगे थर्ड फॉर्म के साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करें, कि जी 1963 और 1973 में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात और वक्फ है वो लाजमी क्या होनी चाहिए, इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है जी, और फिर ये भी बात की थी कि जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम है मस्ट बी मतलब के अंडर मस्ट बी अंडर इस्लामिक इन्फ्लुएंस, इसके अंदर होना चाहिए, इस्लामिक इन्फ्लुएंस के अंदर होना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम हमारा। फर्स्ट क्या बात की थी कि मस्ट बी इंश्योर, मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात एंड वक्फ मस्ट बी मतलब वाकई इंश्योर होनी चाहिए और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। 56 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, नो सच प्रोविजन, कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी, बस ये कहा जैसे मैंने पहली बात की रीबा को उन्होंने अबॉलिश कर दिया था, रीबा अबॉलिश हो गया था। ठीक है जी, रीबा को क्या कर दिया था उन्होंने, अबॉलिश कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इस्लामिक लॉ आया, इस्लामिक लॉ की प्रॉपर मैसेज थी, उन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ को चेक किया, अभी उससे भी मतलब मैच कर रहा है, तभी मैंने उसका अगला पॉइंट ये डाला है, मैंने ये उसमें भी बता दिया था आपको, उन्होंने जब उसको चेक किया तो पता चला जी ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारे, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ये हमारे पास क्या था, 7th पॉइंट, कॉटमैन पॉइंट, सॉरी ये 7th नहीं 6th पॉइंट था हमारा। अच्छा जी, अब हमारा आता है 7th पॉइंट, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, ये मैंने आपको जब हम कंपैरिजन कर रहे थे उसमें मैंने आपको डिटेल में करवाया था, मतलब इन डिटेल मैंने आपको बताया था कि नाम तक बता दिया था कि कौन सी है।
अच्छा जी, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल में अभी हम चलते हैं 1956 में। 1956 में क्या था जी? कमीशन ऑफ इस्लामिक कमीशन ऑफ इस्लामिक रिकमेंडेशन। ठीक है, उसमें क्या थी? कमीशन ऑफ इस्लामिक रिकमेंडेशन थी जो वेरीफाई करेगी कि लॉज, जो एग्जिस्टिंग लॉज, जो न्यू लॉज हैं, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है कि नहीं है। इसके अलावा कोई नो इंस्टीट्यूशन, कोई खास इंस्टीट्यूशन नहीं था, सिर्फ एक कमीशन बना हुआ था। अच्छा जी, 1962 तो क्या थी जी? दो चीज़ें थी, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, सॉरी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, और जो दूसरी चीज थी वो क्या थी? IRS रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI सॉरी, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारा सेकंड था। उसके बाद हम 1973 में चलते हैं, जगह नहीं है। 1973 के अंदर सिर्फ मतलब कि जो थी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अच्छा जी, बड़े इसको ना अक्सर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं ना, तो उसमें ये CII लिखा होगा। अब बड़े लोग होते हैं, बड़े स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब शुरू में मुझे भी हुआ था कि एक CCI है, एक CII है। CCI है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि 18 अमेंडमेंट में डाली गई थी कि हर 90 डेज के बाद प्राइम मिनिस्टर चारों सूबों के, चारों प्रोविंसेस के प्राइम मिनिस्टर्स, सॉरी चीफ मिनिस्टर्स, और जो तीन मेंबर्स होंगे जो PM नॉमिनेट करेगा, वो हर 90 डेज के बाद मिलेंगे और अपने जो जितने भी सेंटर और प्रोविंसेस के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक, और जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो क्या है जी? एक इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल है जो कि एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को इस्लामिक आइडियोलॉजी के दायरे में। ठीक है, और इसमें एक और शरिया बोर्ड बनी थी, काउंसिल तो नहीं है लेकिन मैं तो लिख रहा हूँ, बेशक आप रिमूव कर दीजिएगा पहले इसके छोड़ दें। हम सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहे हैं, फेडरल चली हुई इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन था। अच्छा जी, 7 पॉइंट हमारा हो गया जी। अब हम चलते हैं जी अपने 8th पॉइंट की तरफ, जो कि आ गया है टीचिंग ऑफ कुरान एंड अरेबिक। ठीक है, 56 में ऐसा कोई सीन नहीं था। ठीक है, 62 के अंदर लेके आए जी, उन्होंने कहा था कि जी, उन्होंने कहा था इस्लामियात एंड कुरान की जो टीचिंग्स है वो क्या होंगी? कंपलसरी होंगी। ठीक है जी, जितने भी पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं उनके लिए इस्लामियात, सॉरी इस्लामियात के पूरे स्पेलिंग, इस्लामियात एंड कुरान की जो टीचिंग्स है वो कंपलसरी होगी। 73 में इनकेस ये तो था ही, प्लस उन्होंने अरेबिक एंड करेक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ कुरान ऐड किया। प्लस ये इस्लामिया तो कुरान तो कंपलसरी थी, तो 62 के अंदर ही हो गया था, उसको चेंज नहीं किया। प्लस उन्होंने कहा कि अरेबिक की जो टीचिंग होगी वो भी बहुत करेक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, पब्लिशिंग, ठीक है, ऑफ कुरान भी उन्होंने इसमें ऐड कर दिया था। व्हाट माय पॉइंट कि 56 में ऐसा कोई सीन नहीं था, 62 के अंदर इस्लामियात एंड कुरान को उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। मतलब 56 में सीन मतलब ये कि उन्होंने ये कोई ऐसी एग्जिस्टिंग मतलब कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, क्योंकि वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने ऐड किया था, कोई खास असम्बली थी नहीं, और वो सिर्फ 2 साल तक थी, तो कोई अमेंडमेंट भी नहीं हो सकी थी। ठीक है, इसलिए फिर 62 और 73 में आया कि आप लोग कह सकते कि वो मुसलमान ही थे, उन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा जी, 73 में आप सबको पता होगा 9th पॉइंट हमारा क्या है जी, डेफिनेशन मुस्लिम। 73 में अहमदिया कादियानियत का जो इशू आया था उसके ऊपर फिर उन्होंने सफाजी सीटों का एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि जी हेड्स ऑफिसर को कि उन्होंने बड़ी अच्छी एक, मैं कहता हूँ उन्होंने अपने लिए, अकॉर्डिंग टू मी एज अ मुस्लिम, मैं एज अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने अपनी जन्नत यहाँ पक्की कर ली थी।
जी ये चीज़ करके, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। उस टाइम के जो मौलवी हज़रात थे, चाहे वहाँ पे भी बड़े नाम मुझे भी माइंड में आ रहा है जो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, बट एट द एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, या प्रेजिडेंट थे जो भी आप उस टाइम को पीपल्स पार्टी से पूछे, वो कहते प्रेजिडेंट थे, हम पूछ हमसे कहें या जो भी आप उसका कहते, मैं उस डिबेट में नहीं जाता, ये क्योंकि ये अलग डिबेट है कि वो उस टाइम उनको क्या समझा जाता था। वो कहता था वो मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको खत्म कर दिया गया, वो बड़ा उसके पे बड़े केसेस भी चल रहे हैं, और केसेस उस टाइम के जो चल रहे थे नुसरत भुट्टो के केस और वगैरह। ठीक है, डेफिनेशन मुस्लिम उन्होंने ऐड कर दी थी। उसने क्या कहा था जी के जी, अब जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो 56 में तो थे ही नहीं एंड 62 के अंदर भी नहीं थे, तो ऐसी उस टाइम कोई डेफिनेशन नो डेफिनेशन नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद जो 73 के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डाली, अब मैं एग्जैक्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा क्योंकि ये बिल्कुल हर बात आपको रटी होनी चाहिए, ये तो चीज़ रटी होनी चाहिए। अ पर्सन हु बिलीव्स, ठीक है, इन दी यूनिट, इन दी यूनिटी, इन दी यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह एंड इन दी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ दी, मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट का नाम हमेशा ऊपर आने चाहिए, प्रॉफिट हुड, सॉरी ये साथ है, प्रॉफिट हुड ऑफ मोहम्मद, या प्रॉफिट मोहम्मद कर दें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पीस बी अपॉन हिम। हाँ ठीक है, साथ आप थोड़ा सा ऐड कर दें फॉलोइंग दी अहमदिया इशू। ठीक है, क्योंकि कादियानी ने जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है उनका बड़ा चल रहा था कि जी वो हजरत सलम को नहीं मानते थे, वो कादियानी को नबी मानते थे, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबूवत का दावा जिसने किया था, तो उस बेसिस पे उन्होंने मतलब एक भी अच्छी खासी डिबेट चली थी, और डिबेट में फिर एडियन डेफिनेशन मुस्लिम आ गया था, जिसकी वजह से आज का दिन को कादियानी या मिर्ज़ाइयों को जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, एम डिया कहते हैं, मिर्ज़ाइय कहते हैं, कादियानी कहते हैं, अभी डिबेट से लेकर वो बहुत लंबी डिबेट है और हर बंदे को इस मसले पर पता होना चाहिए, मैं चाहता हूँ, बट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, को बात करेंगे, तो उस बेस पे ये डेफिनेशन दी गई। अगे हमारा जो 10th पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, फ्रेंड रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स। ठीक है, गालबन हमारा आर्टिकल 40 है जिसपे ये मेंशन है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन ने, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने शुरू में कहा था, हर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंडेवर किया था कि जी हम मुस्लिम स्टेट के साथ क्या रखेंगे, अच्छे रिलेशन रखेंगे। चलिए इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लिया। लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, जिसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ मॉरली रिपुगनेंट एक्टिविटीज। जिसमें अंदर उन्होंने कहा था गैम्बलिंग को उन्होंने प्रिवेंट किया था, गैम्बलिंग नहीं होगी, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे एक डिबेट आती है कि जी अब नॉन मुस्लिम भी रहते हैं और अल्कोहल चलती है, तो आप इसको पब्लिकली कंजप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और अपने घर हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है जी, पोर्नोग्राफी की प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन आप नहीं कर सकते, ना पब्लिकली ना वैसे, और जितने भी मतलब कि जी ऑब्सीन लिटरेचर है उनकी आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, एट दी एंड आप एक क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी दें पेपर में। ठीक है, आप क्रिटिकल एनालिसिस लाजमी दें पेपर में जी जी मैं आप इसमें फिर अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं क्या था, कैसे एक्सेप्शन थी 56-62 में, डेफिनेशन नहीं थी, जो जो एक्सेप्शन आती है आप उसमें उसको नेगेटिव या जो भी आप इसको अच्छे पॉइंट्स कहते हैं आप यहाँ पे डिफाइन करें, अच्छे भी बुरे भी।
कंक्लूजन में आप एट द एंड एक बड़ा अच्छा सा टेबल बना दें या उसको थोड़े पॉइंट्स को डिफाइन कर दें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आपको आज समझ आई होगी क्वेश्चन की। बड़े मजे का टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहा है इस बार पेपर में आ जाएगा। तो कैसे आपने सॉल्व करना वो मैंने आपको बता दिया, हेडिंग कैसे देनी है, ठीक है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैं बताऊँ वन ऑफ माई कर लें कोलीग्स, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी गॉट 140 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल इन सीएस 2020। जस्ट शी गॉट फेल्ड इन, मतलब कि शी फेल्ड इन एसे फ्रॉम बाय 3 मार्क्स, उसके 37 थे एसे में, बाकी सब में ओवरऑल उसके 670 मार्क्स प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो शी गॉट 139-140 मार्क्स। और मैं हैरान हूँ, मैंने जब उससे पूछा मतलब कि आपने क्वेश्चन पेपर किया, उन्होंने कहा था कि मैंने क्लियर टू द पॉइंट लिखा था, अपने टॉपिक से डाइवर्ज नहीं किया, स्टार्ट अपने टॉपिक से किया, एंड टॉपिक भी खत्म किया और पूरे टॉपिक पे अपने चलते रहा, टॉपिक से बाहर नहीं गई और एंड पे अपना क्रिटिकल एनालिसिस दिया। तो सबसे अच्छी अप्रोच है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि इतने अच्छे मार्क्स लिए उन्होंने। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, मुझे बड़ी, जब हमारे स्टूडेंट्स की किसी की आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं यार, क्योंकि किंग मेकर और किंग दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ है। किंग मेकर को हमेशा बहुत खुशी होती है जब वो किंग किसी को बनाता है। सो मैं वैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, खैर, दिस ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आपको समझ आई होगी। आपको मेरा सेशन ज्वाइन करना है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स बाय करने हैं मेरे, इसमें सारा डिटेल में होगा, आप वो बाय कर सकते, वो बाय कर रहा हूँ, वो आप मेरे से ले सकते हैं। एट लास्ट, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें या मुझे मैसेज कर लें, क्योंकि मैसेज तो मुझे बहुत आते हैं, कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बताता। कि मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बात करें ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन भी ऐसे इनको नहीं समझ रही, तो मैंने और डिटेल में आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कई लोग होते हैं देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।